सिंह जी बड़े प्यार से कहना धनकार जी। सात संग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। सत्संग आज आप सभी संत महात्माओं से एक सुंदर सी कहानी शेयर कर रहा हूँ। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है सत्संग इलाहाबाद में रहने वाले एक महात्मा केशव जी की, जो सत्संग जिनका नाम केशव तो था परंतु वो इस प्रभु परमात्मा से निरंकार से इस प्रकार जुड़े हुए थे कि हर समय इसी के ध्यान में रहते थे, ध्यान मगन रहते थे। और साथ संगत वो एक इतने अच्छे कारीगर, इतने अच्छे जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं, कि इतने बढ़िया से बढ़िया मकान तैयार कर देते थे और लोग उनकी तारीफ करते थे और उन्हें कहते थे कि संत जी आप इतना बढ़िया मकान कैसे तैयार कर लेते हो, इतना अच्छा डिजाइन कैसे बना लेते हो। वो पढ़े बेशक बहुत कम थे लेकिन उनकी इस प्रभु से निरंकार से बहुत गूढ़ी यारी थी। सतगुरु पर उनका विश्वास बहुत अटूट था और उनमें ये खासियत थी, अगर आपने उनको कोई भी मकान का डिजाइन दिखा दिया तो वो वैसा ही डिजाइन हूबहू वैसा ही नक्शा वो तैयार कर देते थे और लोग देखकर बड़े हैरान होते थे कि वाह कितने अच्छे और कितने बढ़िया कारीगर हैं। तो सत्संग उन्हीं के जीवन की आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार सत्संग जब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, जब थोड़े बड़े हुए तो पिता मजदूरी करते थे तो वो भी मजदूरी करने लगा। ज़्यादा पढ़ा नहीं क्योंकि घर में इतनी सुविधाएं नहीं थी पढ़ने की, तो वो मजदूरी करने लगा मिस्त्री के साथ। परंतु सत्संग से हमेशा जुड़ा रहता था, इस निरंकार की अच्छे से लगता थी, ज्ञान था और हमेशा इसके सिमरन में लगा रहता था। सत्संग उसकी आदत थी, जब भी कभी वो एक ईंट उठाता मिस्त्री के पास तो वो सिमरन करता, तो ही निरंकार कहकर उठाता, मैं तेरी शरण हूँ, इस प्रकार मैनू बख्श लो कहकर वो उठाता रहता और इस प्रभु में हमेशा लीन रहता। कभी किसी का बुरा करने का नहीं सोचता, जो मिलता था जितना पैसा ले जाकर अपने घर पर दे देता था अपने माता पिता को। अब सात संगत उसका जीवन बड़ा ही सरल और सुखमय चल रहा था। धीरे धीरे सात संगत वो एक मजदूर से मिस्त्री के रूप में आगे प्रमोट हो गया, यानी कि वो मिस्त्री बन गया। अब वो मिस्त्री के साथ हेल्पर मिस्त्री के रूप में कार्य करने लगा। अब सत्संगत उसकी सैलरी पहले से बढ़ गई थी और वो बड़ा भी हो गया था, तो माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसकी शादी हो गई। अब सत्संगत आप सभी जानते ही हैं कि शादी के कुछ समय बाद प्रभु की कृपा से उसके घर में सत्संगत एक नन्ना बच्चा पैदा हुआ और सत्संगत वो अब मिस्त्री बड़ा ही खुश था, बड़ा ही आनंदित था और अपने पूरे परिवार के साथ आनंद से रह रहा था और जो उसे मिलता था उसी में ही सारे अपना गुजारा करते थे। अब सत्संगत धीरे धीरे उसकी ये आदत थी, पहले जब मजदूर था तो जब वो उठाता था ईंट तो सिमरन करता था और अब उसकी ये आदत बन गई, जब भी वो दीवार पर एक ईंट लगाता था तब वो सिमरन करता था। अब सत्संगत उसकी ये आदत इतनी अच्छी लोगों को लगती थी कि किसी से कोई फालतू बात नहीं करता था, कोई बात करता था तो उतनी बात करके अपनी बात को समाप्त कर देता था और अपनी मेहनत से हमेशा लगा रहता था। और सत्संगत वो इतना एक्सपर्ट हो गया, इतना वो टैलेंटेड बन गया धीरे धीरे कि वो अच्छे अच्छे नक्शे तैयार करने लगा। जैसा नक्शा उसको कोई दिखा दे वैसी कोठी तैयार कर देने। अब सत्संगत उसके नीचे मजदूर मिस्त्री भी काम करने लगे और लोग उसको ठेकेदार कहने लगे और वो कोठियों के बड़ियों बड़ी कोठियाँ बनाने के ठेके लेने लगा। अब सत्संगत फिर भी वो कभी भी परमात्मा को नहीं बिसारता था,
इस प्रभु परमात्मा को नहीं भूलता था, हमेशा इसका सिमरण करता और सादा जीवन अपना जीता रहता, ये उसकी आदत थी। अब साध संगत, ऐसा मिस्त्री, ऐसा ठेकेदार कहाँ किसी को मिलता है। जहाँ भी जाए उसकी वाहवाही होए, जहाँ भी जाए उसको आगे से आगे काम मिल जाए। साध संगत, ऐसी वो स्थिति में पहुँच गया कि एक महीने तक उसके काम बुक रहते थे, आगे एक महीने का काम उसके पास बुक रहता था कि ये आपका प्रोजेक्ट एक महीने में समाप्त होगा, तो अगले महीने आप कहाँ पर अपनी कोठी बनानी या मकान बनाना शुरू करोगे। सासंगत, इतना काम उसके पास आ गया, सिर्फ और सिर्फ इस प्रभु को उसने आधार माना, सिर्फ और सिर्फ इसको सासंगत सहारा बनाया। कोई सहारा दुनिया में उसने नहीं ढूंढा, क्योंकि सासंगत दुनिया के जो सहारे हैं वो सब झूठे हैं। सासंगत सहारा सच्चा है तो सिर्फ इस प्रभु का, इस निरंकार का। अगर सासंगत आपके जीवन में भी कोई ऐसी सुंदर घटना इस निरंकार की कृपा से घटी हो और जो आप सभी संत महात्माओं से शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें सासंगत मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडियम के माध्यम से आप हमें अपनी कहानी या वो अपनी घटना भेज सकते हैं। और साथ संगत, हम भी यही कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी यही कोशिश करेगी कि आपकी उस कहानी को अच्छे से दिखाया जाए, सभी संतों तक पहुंचाया जाए। और साथ संगत, अंत में एक और अरदास सतगुरु के चरणों में कि जिस प्रकार आप हमें चलाना चाहो हम चलते जाएं, जिस रंग रखे उस रंग रहना, शुक्र मनाना सीखिए। सदा हम शुक्र मनाते रहें हमेशा इसका, जो जो ये दे, जिस प्रकार ये दे, कभी साध संगत इसका हम एहसान ना भूलें, कभी साध संगत इसके बेमुख ना हों और हमेशा इसके गुण गाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। यही अरदास और बेनती है आप सभी संत महात्माओं के चरणों में। और ऐसी कोई बात जो दास के मुख से निकली हो, आप जी को अच्छी ना लगी हो, आप जी के शान के खिलाफ हो, तो दास को क्षमा कर देंगे, बख्श लेंगे। और साथ संगत, कोई बात अच्छी लगे तो ये आप सभी संतों का आशीर्वाद है, सतगुरु की सिखलाई है, हर प्रकार से आपके लिए भी मंगलमयी हो और दास के लिए भी कल्याणकारी हो। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन्यकार।